हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिबिस्कस प्लांट की विंटर केयर और समर के लिए इस प्लांट को हमें कैसे रेडी करना है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको गार्डनिंग से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर इसकी केयर, और सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी समर के लिए हमें इसको कैसे रेडी करना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हिबिस्कस का प्लांट है, ये एक पेरिनियल प्लांट है और विंटर सीजन इसका रेस्ट टाइम होता है, इसका डॉर्मेंसी का टाइम हम इसको बोलते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनको साल में कुछ मंथ वो अपना रेस्ट टाइम लेते हैं और उस मंथ में वो अपने खुद के लिए टाइम लेते हैं और उसमें फूड फॉर्मेशन करते हैं और ख़ुद को रेडी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स पाने के लिए। तो हिबिस्कस का प्लांट भी एक वही प्लांट है। तो देखिए, इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ पत्ते पीले भी होते हैं इस सीज़न में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम इसमें पत्ते झड़ रहे हैं या फिर पीले पड़ रहे हैं, फ्लावर का साइज़ छोटा हो रहा है और फ्लावर्स नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत कॉमन सी बात विंटर सीज़न में हमें इस प्लांट के साथ में देखने के लिए मिलती है। इसमें फ्लावर्स कम आते हैं क्योंकि इस प्लांट को सूटेबल होता है थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम, धूप चाहिए होती है इसे। तो अभी धूप नहीं होती है, कम होती है इसमें, इसलिए फ्लावर्स कम आते हैं। और ये डॉर्मेंसी का टाइम है इसलिए इसके पत्ते भी झड़ते हैं, और इसमें पत्ते झड़ने के बाद इसमें नए पत्ते भी बनते हैं। तो ये सारे चेंजेस विंटर सीजन में इसके होते हैं। तो विंटर में आपको कुछ नहीं करना होता है इस प्लांट के साथ में, बस इसकी केयर करना होता है कि इसमें कोई बग्स का अटैक ना हो, क्योंकि हिबिस्कस के प्लांट में बहुत सारा हिबिस्कस का प्लांट में जो मिली बग होता है उसका काफ़ी अटैक होता है, उसके वजह से भी इसमें कलियाँ नहीं बनती है और फूल नहीं आते हैं। तो आपको चेक करते रहना है, और अगर मिली बग का अटैक है तो आपको इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो ये विंटर में इसमें देखभाल करने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मिलीबग अगर एक बार प्लांट में लग जाता है तो पूरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और पत्ते बोलो या फ्लावर बोलो सब उसमें कमज़ोर कर देता है उस प्लांट को सारा। तो ये आपको विंटर में इसकी सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट केयर आपको करनी होती है। तो चलिए सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो समर में के लिए इसको रेडी करने के लिए हमें सबसे पहला तो काम करना है कि आपको अगर जिस भी ब्रांच पे फ्लावर्स नहीं दिखते हैं उस ब्रांच की आपको थोड़ी थोड़ी कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद क्या होता है कि एक ब्रांच से आपको दो या तीन ब्रांचेस मिलती है, तो एक ब्रांच पे, और ये जो हिबिस्कस के फ्लावर्स होते हैं आप देखोगे हमेशा टिप पे आते हैं, तो आपको मैक्सिमम फ्लावर्स उसमें से मिलेंगे, इसलिए आप इसकी कटिंग करिएगा। और अभी हम इसमें कुछ कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं, लाइक काउडंग कंपोस्ट है या फिर वर्मी कंपोस्ट है। तो हर 15 दिन में अभी हम इसमें कंपोस्ट भी मिलाएंगे ताकि प्लांट खुद को और ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाने के लिए प्रिपेयर करे। तो इसमें अभी हम 15 दिन के बाद में, हर 15 दिन में आपको इसमें कंपोस्ट मिलाते रहना है, और जो भी अनवांटेड इसमें ब्रांचेस है उसकी हमें कटिंग करना है जिसमें से बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं आ रहे। ये हो गया दूसरा काम। और तीसरा काम ये है कि अगर आपको इस प्लांट की शॉपिंग करना है या फिर प्लांट तो आप कर सकते हैं, और आपको अगर प्लांट को रिपोर्ट करना है, छोटा अगर पॉट है और आपको बड़े पॉट में अगर शिफ्ट करना है तो आप इसको अभी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसमें हेवी फ्लावरिंग होती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड भी लगता है, तो इसलिए हमें पॉट का साइज़ भी इसका बड़ा होना ज़रूरी है। तो इस प्लांट को बड़े पॉट में ही लगाइएगा अगर आप लगाते हैं तो, और आपको रिपोर्टिंग करना है तो आप इसको अभी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्लांट को ज़्यादा नीड नहीं होती है हमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह देने की, लेकिन हमें अभी इस प्लांट को समर के लिए रेडी करना है, इसलिए हम अभी 15 दिन में इसको इसमें कंपोस्ट मिलाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं इस प्लांट के साथ में हमें करनी होती है, तो हमें हेवी फ्लावरिंग भी इसमें मिलेगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा और काफ़ी सारे हमें फ्लावर्स देखने मिलेंगे। तो आपको ये मैं एक प्लांट दिखा रही हूँ, देखिए इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्लांट शो करता है कि इसमें कुछ चेंजेस इसमें अभी हो रहे हैं, क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो इसमें अभी एक महीने से कुछ भी फूल नहीं खिला हुआ है, एक भी फूल इसमें खिला हुआ नहीं है। तो ये जो
प्लांट है ये प्रॉपर अपना विंटर सीजन फॉलो कर रहा है, रेस्ट पीरियड टाइम फॉलो कर रहा है और अभी इसमें कलियाँ अभी बन रही है। तो नए पत्ते आना और कलियाँ का आना ये शो कर रहा है कि अभी मौसम का चेंजेस भी हो रहा है और जैसे समर आने वाला है तो इसमें कलियाँ भी बनने वाली है और बन भी रही है। तो आप प्लांट को देखते भी हम समझ सकते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी के जितने भी प्लांट्स हैं हिबिस्कस के, उनमें फ्लावर का साइज़ अभी विंटर में भी बड़ा ही है और समर में एंड एज इट इज़ रहता है, इसका साइज़ कम ज़्यादा नहीं होता है। और जो देसी वैरायटी के जो भी प्लांट्स होते हैं उनका साइज़ विंटर सीज़न में कम होता है फ्लावर्स का। तो ये हिबिस्कस का प्लांट में बहुत अच्छी काम है जो अभी इस टाइम पे हमें एक पीक टाइम बोल सकते हैं। कुछ चेंजेस अगर इस प्लांट में हमें अभी करने हैं तो जनवरी का और फरवरी का जो मंथ है ये एक अच्छा मंथ है इसमें कुछ काम करने के लिए। और ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, अभी विंटर सीजन है तो काफ़ी अच्छे से ये प्लांट की कटिंग लग जाएगी, तो आप अभी लगा सकते हैं। तो फिर आपको 3 या 4 महीने के बाद इसमें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो, आपको बताइएगा कर ज़रूर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।